नमस्कार एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हेल्दीएस्ट वर्जन ऑफ छोले, पालक छोले। और उससे पहले, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स है ये, जो कि आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में चना लेंगे और इसे अच्छे से नॉर्मल पानी से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। नॉर्मल पानी के साथ वॉश करने के बाद अब हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे। इसके बाद हमें इसे ढक कर 8 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 8 घंटे के बाद आप फर्क देख सकते हो, ये एकदम से फूल गए हैं और प्रेशर कुक होने के लिए रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्रेशर कुक करने के लिए हम इसमें डालेंगे नमक और साथ में डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हमें 5 मिनट तक अच्छे से प्रेशर कुक करना है और बाद में फ्लेम ऑफ करके हमें एकदम से इसे ठंडा होने देना है। अब एक पतीले में पानी उबलने को रखेंगे और पानी उबलने के बाद हम इसमें पालक डालेंगे। पालक को हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद हम फ्लेम ऑफ करके इसे एकदम से ठंडे पानी में निकाल लेंगे। आप आइस क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठंडे पानी में डालने से इसका जो कलर है वो वैसा की वैसा ही रहता है। एक बार ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे जार में ले लेंगे और अच्छे से इसका प्यूरी बना लेंगे। अब हम चना चेक करते हैं। हमारा चना पक गया है, तो अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और तेल गरम करने के बाद उसमें जीरा डालेंगे। उसके बाद डालेंगे कटी हुई प्याज और कटी हुई प्याज को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। प्याज अच्छे से पक जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की पेस्ट। इसे हमें अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। अब बारी है हमारी पालक की बनाई हुई प्यूरी डालने की। आप इसका कलर देख सकते हो, कितना अच्छा दिख रहा है ये। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जो कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अच्छे से मिला लीजिए और इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाइए।
अब बारी है मेन इंग्रेडिएंट की, बॉईल किए हुए चने। अब हम इसमें डालेंगे नमक, अब हम लास्ट में डालेंगे चना मसाला। और उसके बाद डालेंगे मलाई और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पालक चना एकदम से तैयार हो गए हैं सर्व होने के लिए। ये आप किसी भी प्रकार की ब्रेड के साथ यानी कि कुलचा, नान, पराठा, पूरी सभी के साथ आप सर्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।